क्षिप्रा नदी से उठने वाली आग की लपटों में प्रशासन के अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पूरी नजर है। वो आग के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। ये है क्या चीज? अरे वो वही कर रहा था मैं, एकदम कैमरा चालू हुआ नहीं। इन तस्वीरों से पूरा उज्जैन कांप गया है। इन तस्वीरों को देखकर हजारों श्रद्धालु सिहर गए हैं, जो 13 मार्च को यहां पवित्र स्नान के लिए आने वाले थे। इन तस्वीरों ने कुदरत के नियमों को ही चुनौती दे दी है। नहीं, मतलब पानी में क्या है? आग और पानी कभी साथ नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पानी के अंदर ही आग धधकने लगी। और अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ प्रशासन का पूरा अमला इस बात की पड़ताल में लगा है कि आखिर यहाँ आग कैसे लगी। ऐसा कैसे? उज्जैन में क्षिप्रा नदी में लगातार हो रहे धमाकों के बाद सनसनी फैल गई और यहाँ के लोग अभी भी दहशत में हैं कि ऐसी कौन सी भूगर्भीय हलचल है या ऐसा कौन सा केमिकल क्षिप्रा नदी में आ गया है जो लगातार धमाकों की वजह बन रहा है। एक के बाद एक लगातार 2-3 दिनों तक लगातार धमाके हुए। 8 से 10 धमाकों के बाद धुआं उठा, चिंगारियां निकली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।